सामने बाहर आदर अभिनंदन आभार। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं करियर काउच विद शुभांकर और आज हम बात करने वाले हैं रेडियो इंडस्ट्रीज की। अरे वाह विक्रम, आपने तो आज हमारी जगह ले ली। देखा दोस्तों, जरा सी कुर्सी दी नहीं, आरजे साहब ने उठा के पूरा शो कैप्चर कर लिया। रेडियो जॉकीज के साथ यही खूबसूरती होती है, हम लोग जहां रोते रोते पैदा होते हैं, एक रेडियो जॉकी जो है वो पैदा होते हैं शब्दों के साथ। क्या था विक्रम, जब आप पैदा हुए तो क्या आपने नर्स को उठ के ही हेलो बोला? नहीं, आम बच्चों की तरह मैं भी रोया था और ऐसा मुझे बताया गया था, लेकिन ये बातों का सिलसिला कब शुरू हुआ इसके पीछे भी एक कहानी है एक्चुअली। अच्छा, तो सुनते हैं आरजे विक्रम की कहानी, आरजे विक्रम की जुबानी। एक्चुअली दादा, जब कॉलेज में थे तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि लाइफ में करना क्या है। मतलब वो दौर था जब हम कॉलेज को एंजॉय कर रहे होते थे कि बस पढ़ाई करनी है, मस्ती काटना है, एंजॉय करना है। लेकिन हाँ, कॉलेज में रहते हुए थिएटर करने का मौका मिला, जहाँ पे कुछ एक्टिंग के बारे में सीखने का मौका मिला, तो लगा कि यार इस एक्टिंग को अपना करियर बनाया जा सकता है। दोस्तों को भी बताया कि यार मुझे लगता है कि एक्टिंग फील्ड में जाऊँगा तो कुछ कर सकता हूँ, तो वो हंस दिया करते थे। तो थोड़ा सा एक डीमोटिवेशन आ जाता था कि नहीं यार, लोग अभी से हंस रहे हैं तो आगे क्या करेंगे। लेकिन ये थिएटर करना फ़ायदा मुझे तब मिला जब रेडियो के ऑडिशन आए। रेडियो के ऑडिशन आने के बाद थिएटर में जो सीखा था वो रेडियो में जाकर के किया, ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया, उसके बाद एज अ प्रोफेशनल ट्रेन किया गया और बन गया रेडियो जॉकी। लेकिन विक्रम, एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज के दिन में आरजे विक्रम एक बहुत बड़ा नाम है, जो रेडियो सिटी सुनते हैं वो सुबह सुबह आपका नाम तो सुन ही लेते हैं, तो एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, सब कुछ है। लेकिन विक्रम, मैं फिर भी एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जो रेडियो इंडस्ट्री है, आपको क्या लगता है टीवी इंडस्ट्री और रेडियो इंडस्ट्री, इन दोनों में कहाँ पे वो कंपटीशन आ जाता है, किस जगह पे ऐसा है आज वो एक दूसरे के साथ चल रही हैं, एंटरटेनमेंट का कौन सा ज़्यादा बड़ा आयाम बन पा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, दोनों ही मीडियम अपने आप में अलग अलग है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि दोनों के बीच में कोई भी कॉम्पिटिशन है। हाँ, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि जो रेडियो एक ऐसा मीडियम है वो लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है, लोग एक्टिवली और पैसिवली इसको लगातार सुन सकते हैं। आपको टीवी देखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, लेकिन रेडियो के साथ ऐसा नहीं है। ड्राइव करते हुए आप सुन सकते हैं, कहीं पे भी सुन लिया, कान पे लगा लिया और बस स्टार्ट। मतलब ऐसा ही होता है कि आप ड्राइव कर रहे हो तो सुन रहे हो, जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो किचन में काम कर रही हैं तो सुन रही होती हैं, लोग वॉकआउट करते हुए हमें सुनते रहते हैं, तो आप एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से हमें सुन सकते हैं। अच्छा विक्रम, अब तो काफी समय हो चुका है आपका कार्यक्रम हम सुनते आ रहे हैं, क्या करते हैं, ये इतनी बातें आपकी कहाँ से निकल के आती हैं? ये आप पहले से सोच के रखते हैं या उसी समय बिल्कुल तुरंत क्रिएटिविटी होती है, ये क्या होता है, ये प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड है या एक जिसको कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस है? एक्चुअली स्क्रिप्टेड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना हमें ज़रूर पता होता है कि हम किस मुद्दे पर, किस टॉपिक पर क्या बात करने वाले हैं, थोड़ा हम पहले से फ्रेम कर चुके होते हैं जो हम बोलने वाले होते हैं। हालांकि आजकल के जो नए बच्चे हैं वो ज़रूर ये सोचते हैं कि बड़ी अच्छी जॉब है यार, रेडियो में जाओ, बैठो एसी में और थोड़ी सी बहुत बातें करो, लोगों को हंसाओ और बस फ्री हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें अगर 2 घंटे या 4 घंटे का शो तैयार करना होता है तो उसके लिए भी हमें काफ़ी सारे घंटे देने पड़ते हैं कि हर लिंक में, हर ब्रेक में हमें क्या बोलना है, क्या टॉपिक लेना है, किस मुद्दे पर बात करनी है, हमें कोई ऐसी बात करनी है जो सुनने वाले को इंटरेस्ट में आए। हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि रेडियो ऑन किया और कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं, लोग कनेक्ट ही नहीं करेंगे। हमें ऐसी बातें करनी होती हैं जो लोगों के बीच की होती है। विक्रम, ये आपने कहा कि स्क्रिप्टेड, कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, आप पहले से प्लानिंग करके चलते हैं, आपको पता होता है कि ब्रेक में क्या बोलना है, आप एक प्लान के साथ चलते हैं, तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ से, ये आप लोग ट्रेंड होके आते हैं इस प्रकार से या ये आपका इंटरनल एक आपकी क्वालिटी है, ये क्या है आपकी? वैसे शक्ल से देख कर लगता नहीं है, लेकिन हाँ एक डिकेड कम्प्लीट कर लिया है मैंने रेडियो में। तो जब हमने रेडियो ज्वाइन करा था तो उस वक्त एज सच कोई ऐसा कोर्स नहीं होता था, इवन मास कम्युनिकेशन में भी रेडियो का कोई ऐसा पार्ट नहीं हुआ करता था। तो उस वक्त हमें ऑडिशंस के थ्रू सेलेक्ट किया गया था, हमने साथ में काम करते करते सीखा, कंपनीज ने हमें हायर किया, फिर थोड़ा ट्रेन किया। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको आरजे की ट्रेनिंग देते हैं,
इवन मास कम्युनिकेशन में भी एक पार्ट रेडियो का आ चुका है जहाँ पर आपको रेडियो जॉकिंग के बारे में बताया जाता है। एक अच्छी बात यह है कि रनिंग स्टेशन में बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं, इंटर्नशिप करके आप एक रनिंग स्टेशन में काम करने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है जो शायद हमारे टाइम पे नहीं थी। तो अगर किसी बच्चे को अगर उनका एक सपना होता है कि नहीं हमें आगे पढ़ के आरजे बनना है, तो वो बच्चा कैसे समझे आरजे उसके लिए सही दिशा है कि नहीं है, ये करियर सही रहेगा कि नहीं रहेगा? एक्चुअली जब 12th हम पास करते हैं उसके बाद लगता है कि यार लाइफ में कुछ करना है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि करना क्या है, क्योंकि हर फील्ड हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। हमें लगता है कि यार साइंस लिया है हम डॉक्टर बन सकते हैं, या इंजीनियरिंग, अक्सर पेरेंट्स चाहते हैं या तो बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने बच्चे हमारे। लेकिन बच्चे की चॉइस क्या है, पहले आप अपनी चॉइस को देखो कि आपको करना क्या है। क्या आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, या आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, अकाउंट्स में जाना चाहते हो, या एंटरटेनमेंट में जाना चाहते हो, मीडिया में आना चाहते हो। पहले आप अपना एक सेल्फ आकलन कर लो, सही बात है, कि आपको करना क्या है। उसके बाद आप तय करो कि हाँ भाई इसमें जाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के कहने पे कोई भी एक फील्ड चूज कर लेते हैं, उसके बाद हम काफी टाइम के बाद रिग्रेट करते हैं कि यार मैं इसके लिए नहीं। आरजे बनने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? इतना कंपटीशन झेलते हुए आप एक आरजे बनते हैं, एक समय तक आपको लोग सुनते हैं, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये 10 साल 12 साल सोचिए आपने बिता लिया, एक टाइम होता है जहाँ सैचुरेशन होने लग जाती है, फिर आपको आगे बढ़ना, तो एक आरजे के बाद आप क्या बनते हैं? देखिए अक्सर ये सवाल लोगों के मन में आता है कि आप एक शो कर रहे हो, सालों से वही शो कर रहे हो, उसके आगे क्या, क्या एक आरजे के बाद सुपर आरजे बन जाता है? तो देखिए ऐसा है कि जब आप कोई काम लगातार करते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर परफेक्शन आता जाएगा। अब ये आपका इंटरेस्ट है कि आपको उसे कंटिन्यू रखना है या फिर उसके अपर लेवल आपको जाना है। एक टाइम के बाद हर आरजे ये चाहता है कि वो एक टीम को लीड करे, एक स्टेशन को लीड करे। तो जब आप लगातार कई सालों तक काम करते हो, आपके पास बहुत सारा तजुर्बा हो जाता है, तो हर कंपनी चाहती है कि उस तजुर्बे को इस्तेमाल किया जाए। जब नया टैलेंट आए उनके पास, तो उनके पास कोई एक मेंटर के तौर पे, एक लीडर के तौर पे सिखाने वाला, बताने वाला, उनको गाइड करने वाला होना चाहिए। तो जितने भी आरजेज हैं, या आप अगर सोचते हो कि आरजे के बाद आगे क्या, तो आरजे के बाद आगे आप प्रोग्रामिंग हेड बन सकते हो, रीजनल हेड बन सकते हो, जोनल हेड बन सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि स्टेशन डायरेक्टर बन सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको आगे ही लेकर के जाती है जैसे जैसे आप उस फील्ड में अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते जाते हो। राइट विक्रम, ये बात हुई कि आफ्टर आरजे व्हाट, अब आते हैं आरजे के पहले। जो बच्चे हैं अभी 7 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं, मैंने कई स्टेशंस को देखा, कई रेडियो चैनल जो हैं इस समय बच्चों के लिए छोटी छोटी प्रोग्राम्स निकाल रही हैं, उसमें वो जूनियर आरजे और ये इस तरीके से कार्यक्रम निकाले जाते हैं। आपका चैनल ऐसे कोई कार्यक्रम कुछ इस तरीके से कुछ कंडक्ट कर रहा हो? दादा टाइम टू टाइम हम इस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान आउट करते रहते हैं। हम समर वर्कशॉप करते हैं जहाँ पर हम बहुत कुछ बच्चों को सिखाते हैं, चाहे वो सिंगिंग, डांसिंग या उनके इंटरेस्ट की कोई बात हो। हमने सेल्फ डिफेंस का भी वर्कशॉप किया हुआ है। उसके अलावा नवंबर के मंथ में, अभी पैंडमिक की वजह से थोड़ा सा हम इतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं कर रहे हैं जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग हो, अदरवाइज़ हम ऑडिशंस करते थे, बच्चों को मौके देते थे जहाँ पर वो आकर के अपना टैलेंट दिखा सकते हैं लोगों के बीच। अगर उनके पेरेंट्स को लगता है कि यार मेरे बच्चे के अंदर कुछ आरजेइंग वाला एक एलिमेंट है और वो चाहते हैं कि वो उसे और बढ़ाएं और सीखें, तो हम जूनियर जॉकीज़ के इस तरह के कॉम्पिटिशन बीच बीच में कराते रहते हैं। उसके अलावा सिंगिंग, जो कि रेडियो जिसके लिए मेन है गाना, तो हम एक प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं हर साल, रेडियो सिटी सुपर सिंगर, जहाँ पर हम नए टैलेंट को मौका देते हैं अपना सिंगिंग टैलेंट दिखाने का, साथ में नेम, फेम और पैसा भी कमाने का, क्योंकि उसमें बहुत ही बड़ा कैश अमाउंट होता है प्राइस का। तो टाइम टू टाइम हम हर तरह के टैलेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाते रहते हैं। विक्रम, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं कुछ आइडियाज़ आपसे चाहूँगा, आपसे एक ऐसा ओपिनियन जो बच्चों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपको शायद पता होगा कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक नया सिस्टम निकाला, नो बैग्स डे, और नो बैग्स डे पर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि वो स्किल डेवलपमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड है, स्किल डेवलपमेंट जिसके ऊपर प्रधानमंत्री बहुत जोर देते हैं। विक्रम, आपका क्या आइडिया होगा कि अगर एक नो बैग्स डे होता है,
एक स्कूल को आप क्या मशवरा देंगे, क्या राय देंगे कि कौन सा सेटअप कैसे एक बनाएं कि जहाँ पे बच्चों को ये भी एक स्किल सेट पे तैयारी की जा सकती है? देखिए, कई बार ऐसा होता है, दादा आप भी अग्री करेंगे, कि खेल खेल में हम बहुत सारी चीज सीख जाते हैं, और जब आपके इंटरेस्ट का कोई काम होता है तो आप उसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हो। अगर मैं को कोई दे दे कि भाई तुम बैठ करके तुम्हें ऑफिस का काम करना है, फाइलों में घिरे रहना है, तो मैं शायद कर तो लूँगा लेकिन उतने परफेक्शन से नहीं करूँगा। लेकिन जिस फील्ड में मैं हूँ, इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो जिस फील्ड में मैं हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, मुझे मज़ा आता है, तो काम में मज़ा आना चाहिए। तो आई एम श्योर जितने भी स्कूल्स हैं वो इस तरह की करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं, और आई एम श्योर आगे भी कराते रहनी चाहिए, जहाँ पर बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो कुछ ऐसा चीज़ डेवलप करें, जहाँ पर कोचेज़ आएँ, जहाँ पर एक्सपर्ट्स आएँ, उन्हें सिखाएँ उनके इंटरेस्ट की चीज़ें। बच्चे को, आजकल के बच्चे बहुत बहुत हाईटेक जनरेशन है, 5G है ये, तो उन्हें पता होता है कि उन्हें आगे चल के क्या करना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का अगर कुछ प्रोग्राम कराते रहेंगे स्कूल्स, तो बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहेगा और साथ ही वो और ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे कि हमें आगे चल के क्या करना है, फिर चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर हो या फिर आर्ट की फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, एनीथिंग। नहीं बनाता, सही बात है। तो इस आरजे फुल टाइम जॉब या कोई अलग कोई काम करते हुए या कोई अलग प्रोफेशन करते हुए भी हम आरजे बन सकते हैं? नहीं, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। आप फुल टाइम भी आरजेइंग कर सकते हो, आप पार्ट टाइम कर सकते हो, फ्रीलांस आप कर सकते हो। आजकल कंपनी ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि आप अपना दूसरा वर्क करते हुए भी फ्रीलांस रेडियो शो कर सकते हो। लेकिन हम जो काम करते हैं वो फुल टाइम रेडियो जॉकी होता है, जिसमें सिर्फ शो पे बातें करना नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है। अच्छा विक्रम, हम लोग ये पॉडकास्ट के बारे में बहुत सुनते हैं और आप भी एक पॉडकास्ट चलाते हैं, तो क्या है ये पॉडकास्ट? एक्चुअली पॉडकास्ट इज़ अ रेडियोज एक्सटेंशन। पहले एक लिमिटेशन होती थी कि हमें रेडियो पर इतने मिनट या इतने सेकेंड्स ही बात करनी होती है, फिर गाने आ जाते हैं। लेकिन पॉडकास्ट जो आया है, जिसमें हम एक पूरी स्टोरी नरेट कर सकते हैं, हम उसमें एक पूरा ड्रामा दिखा सकते हैं, और इसमें वॉइस एक्टिंग बहुत काम आती है। वॉइस एक्टिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आप रेडियो पर शो कर रहे होते हो तो आप अपने आप को ही प्रेजेंट कर रहे होते हो, लेकिन पॉडकास्ट में कई बार हमें कहानियों के थ्रू, ड्रामा के थ्रू कहानियों को नरेट करना होता है, जहां पर आपको कुछ अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिलता है, जहां पर आपको न दिखाई दे करके भी दिखाई पड़ना पड़ता है, वो सब कुछ दिखाना पड़ता है जो आप उस कहानी में दिखाना चाहते हैं, वहां पर काम आती है वॉइस एक्टिंग। तो वो जैसे विक्रम भट्ट जैसा कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ हॉरर लेके वो कहानी सुनाते हैं, क्या उसी प्रकार की कुछ बात कर रहे हैं? ये बेसिकली वही है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग बहुत सारी कहानियाँ हैं, कई सारे ऐप्स हैं जहाँ पर आपको इस तरह की कहानियाँ मिलेगी। हमारे स्टेशंस पर आपको हर घंटे इस तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो यहाँ पर एक पार्ट नरेशन का होता है और थोड़ा पार्ट ड्रामा का भी होता है, ताकि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे वो कहानी। तो पॉडकास्ट में कैसा करियर है, उसमें भी क्या कुछ कॉमर्शियल्स ऐसी हैं जिससे बच्चा कमा सकता है? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैंने बताया ना, रेडियो का एक्सटेंशन आप कह सकते हो पॉडकास्ट, जहाँ पर आप फ्रीलांस भी काम कर सकते हो, अपना पॉडकास्ट बना करके ऐप्स को या रेडियो इंडस्ट्री को आप बेच सकते हो, आप टाई अप कर सकते हो, और डेफिनेटली जब आप इतनी मेहनत करोगे तो अर्निंग तो होगी। तो विक्रम, ये बात होगी पॉडकास्ट की, अब थोड़ा और चीज़ जानते हैं। क्या रेडियो में सिर्फ और सिर्फ एक आरजे ही होता है जो मेन होता है, और क्या अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं? एक्चुअली बहुत से लोगों को यही लगता है कि रेडियो में सिर्फ आरजे ही मेन होता है। नहीं, रेडियो में बहुत से ऐसे काम होते हैं। रेडियो में स्क्रिप्टिंग का काम होता है, कॉपीराइटर का जॉब होता है, साउंड इंजीनियर का काम होता है, जो साउंड हम डिज़ाइन करते हैं, जो एड्स आप सुनते हो, जो पैकेजिंग सुनते हो आप, वो सारा साउंड इंजीनियर का काम होता है। राइटिंग सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वॉइसिंग इंपॉर्टेंट होती है। आरजे जो शो करता है, उसके अलावा हम बहुत सारे वॉइसिंग का काम करते हैं, जो एड्स चलते हैं वो सारे हमारे यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो बहुत सारा काम है, और उसके बाद एक टाइम के बाद आपका तजुर्बा आपको टीम लीडर भी बना देता है। ओके, तो आपका ये कहना है कि एक आरजे तक नहीं सीमित होती, एक रेडियो इंडस्ट्री जो है उसमें कई लोगों का, जैसे कि एक टीवी इंडस्ट्री में भी है, आप हमें तो सामने देखते हैं लेकिन देयर इज़ अ ह्यूज टीम जो कि पीछे बैकग्राउंड में जो काम कर रही होती है, एडिटर्स होते हैं, यहाँ पे जो विजुअल एडिटिंग कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं, PCR पे जो टेक्नीशियंस बैठे हैं वो लोग हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। विक्रम, एक चीज़ जानना चाहूँगा, अब जो समय आ रहा है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, तमाम चैनल्स आने लगे हैं रेडियो में भी, आपको नहीं लगता ये जो कंपटीशन जिस प्रकार बढ़ रही है,
तो कहीं ना कहीं आगे चल के सस्टेनेबिलिटी जो है वो कहीं चैलेंज होने लग जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टेशंस बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएगी न्यू कमर्स के लिए। लोग काम करते करते एक सर्टन टाइम के बाद में उनको इतना तजुर्बा हो जाता है कि उन्हें लगता है कि अब इससे कुछ आगे बढ़ा जाए ताकि दूसरे लोगों को आपका वाला काम करने का मौका मिले, नए टैलेंट को मौका मिले। तो मुझे लगता है जितने ज़्यादा स्टेशंस आएंगे, जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म इन्हेंस करेगा, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक, चलिए आपकी बात भी मान ली। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रेडियो इंडस्ट्री में किसी प्रकार की कोई चैलेंज नहीं है अभी या फ्यूचर में या पास्ट में? जॉब तो बहुत चैलेंजिंग है, मतलब आपको बाहर बैठकर ऐसा लगता है कि यार कितना मज़ेदार जॉब है, इन लोग तो कितने खुश रहते हैं लाइफ में, इनके कोई दुख ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, हमें खुश रहना पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि दूसरी कंपनीज की तरह या ऑफिस की तरह जैसा माहौल नहीं होता। हमारे यहाँ बिल्कुल कॉलेज कैंटीन जैसा माहौल होता है जहाँ पर फ्रेंड्स गेट टुगेदर कर रहे होते हैं, वैसा ही एटमॉस्फेयर होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छा गाना आ गया तो हम सारे उठ के डांस भी कर लिया करते हैं। तो काम का प्रेशर नहीं होता, लेकिन हाँ, काम के लिए डेडिकेशन बहुत होता है। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि आपकी आवाज़ को तो सब जानते हैं, चलिए अब तो विक्रम जो है शायद आप लोगों को नहीं पता, आप एक्टिंग में भी उतर चुके हैं और बहुत जल्दी आप सत्यमेव जयते जो अभी जो सेकंड जो सीक्वल आने वाली है उसमें आप विक्रम को देखेंगे। सो आरजे विक्रम सिर्फ आरजे नहीं है, आप उनको अब एक्टिंग में देख सकते हो, शायद आने वाले समय के अक्षय कुमार बन के दिखाई देंगे। अक्षय कुमार क्यों, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। लेकिन विक्रम, सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आज भी हम आरजे नावेद को जो है हम लोग इस पर सुनते हैं, इज अ वेरी फेमस आरजे अदर पे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो भी बाहर आते हैं। सोशल मीडिया पे देखा जाए तो वो प्रैक्टिकली वो सामने ऑन कैमरा भी उस पर से आते हैं, आप भी कैमरा के सामने आ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आरजे, सभी आरजे कहीं ना कहीं फील करते हैं कि नहीं, सिर्फ आवाज़ नहीं, चेहरा सामने होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। रेडियो में सबसे पहले तो हमें यही सिखाया गया था कि हम अपनी आवाज़ के थ्रू, अपनी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसके थ्रू लोगों के साथ कनेक्ट करें। लेकिन वक्त और हालात हमें सब करने के लिए मजबूर करते हैं। आज जो डिजिटल मीडियम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जहाँ पर हर किसी को अपना डिजिटल अपीयरेंस दिखाना पड़ता है ताकि लोग आपको जानने के साथ साथ पहचाने भी। रेडियो में क्या होता था, लोग आपको सुनते थे, वो आपको नाम से जानते थे, लेकिन जब कभी रास्ते में आप शायद उनके बगल में ही खड़े हो, वो आपको नहीं पहचान पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, डिजिटल मीडियम के माध्यम से लोग अब हमें शक्लों से पहचानते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम नज़र आते हैं। और साथ ही इंटरेस्ट की बात है, जो आपने कहा एक्टिंग, तो रेडियो में आना मेरा एक्टिंग का ही एक नेक्स्ट स्टेप था। लेकिन ये कह सकते हैं कि रेडियो में एज अ प्रोफेशन काम करता हूँ और एक्टिंग में एज अ पैशन काम करता हूँ। एक्टिंग जो आपका जो टैलेंट है, एक्टिंग टैलेंट ने आपको आरजे बनने में हेल्प ज़्यादा किया, क्या आरजे बनना आपको एक्टिंग में ज़्यादा हेल्प कर रहा है? नहीं, डेफिनेटली मैं सारा श्रेय अपने थिएटर को दूंगा। थिएटर में हम जो काम किया करते थे जब हम रेडियो इंडस्ट्री में आए थे, तो उस वक्त क्योंकि एकदम नया दौर था हमारे लिए माइक के पीछे बोलना, तो कई बार हम थोड़ा सा नकली भी साउंड करते थे। लेकिन फिर हमें बताया गया कि आपको नेचुरल रहना है, किस तरह से आप, जिस तरह से हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, बिल्कुल वही रेडियो में भी वैसा ही आपको लगना चाहिए कि जो भी आपको सुन रहा है वो बिल्कुल आपके बगल में ही बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली थिएटर से जो सीखा था वो हमें माइक के पीछे करने का मौका मिल रहा था। जो काम थिएटर पर करते थे, या यूँ कहें कि जो काम हम कैमरे के सामने करते हैं, वो हम माइक के पीछे करते हैं। तो विक्रम, जब एक आरजे के पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक तो अच्छा साउंड करना चाहिए, उनके पास कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, उनका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो क्या कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा जाता है आरजे सेलेक्ट करने के लिए? आप क्वालिफिकेशन के बारे में क्या? जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, लेकिन आजकल के रनिंग स्टेशंस पे आप आफ्टर ट्वेल्थ भी इंटर्नशिप जरूर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे आगे चलकर रेडियो में काम करना है, एज अ रेडियो जॉकी वर्क करना है, या आपका साउंड में इंटरेस्ट है, आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू, तो बहुत कुछ जानते हैं जो शायद पहले की जनरेशन के लोग नहीं जानते थे। तो ट्वेल्थ के बाद भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो, और रेडियो में आना है तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपकी ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए। लेकिन विक्रम, एक स्टेशन के पास कितने आरजेज होते होंगे? अगर हम शोज़ के हिसाब से लें तो एक
जो पर्टिकुलर शो होता है वो 1 से 2 घंटे तक चलता है, और आपके पास शायद एक्सपोजर जो टाइम है वो 8 to 10 hours का है, जिसमें से कुछ ऐसा होता है जैसे टीवी में हम लोग के जैसे कुछ प्राइम टाइम्स होते हैं, कुछ नॉन प्राइम होता है। तो अगर इंटर्न्स को भी आता है तो उनको फिर प्रैक्टिस करने का मौका इतने सीमित दायरे में कैसे आप लोग देते हैं? देखिए, उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो एक रनिंग स्टेशन में काम करने का तजुर्बा लेते हैं, वो देखते हैं, सीखते हैं, उन्हें लाइव शो में बैठने का मौका मिलता है कि आरजे किस तरह से बात करता है, किस तरह से वो अपनी बात लाइव कहता है, और लाइव कॉल्स जब लेने होते हैं तो वो कैसे लिसनर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, वो सब कुछ उन्हें सीखने का मौका मिलता है। इसके अलावा जो बैकएंड में हम बहुत सारा काम करते हैं, फिर चाहे वो राइटिंग से रिलेटेड हो, क्रिएटिव से रिलेटेड हो, तो वो सब कुछ उसे सीखने का मौका मिलता है। सो विक्रम, इतनी सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की इतने कम समय में, अब आप मुझे ज़रा बताएं कि आने वाली फिल्में कौन सी होने वाली हैं और कहाँ कहाँ आपको हम लोग टीवी पे देखने वाले हैं? जी डेफिनेटली, मैंने कुछ ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर रखे हैं, और अपकमिंग की अगर बात करूँ तो रिसेंटली सत्यमेव जयते 2 आने वाली है, जिसमें आप मुझे नजर आएंगे। इट्स अ टाइनी रोल, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी थी जॉन इब्राहिम के साथ स्क्रीन शेयर करने की, उससे मैंने मिस नहीं किया, मैंने उसे अच्छे से निभाने की कोशिश की है। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। इसके अलावा बहुत जल्द मिशन मजनू आएगी, उसमें भी आप मुझे देखेंगे। एमएक्स प्लेयर के लिए मैंने एक क्राइम शो करा है, उसमें भी आप मुझे देखेंगे। अमेजॉन प्राइम के लिए स्टार डस्ट किया है मैंने, और अभी रिसेंटली एक और फिल्म शूट कर रहा हूँ जो जिसकी शूट अभी चल रही है। तो कैसा था जॉन के साथ काम करना? बहुत अच्छा था, बहुत ही काफ़ी पोलाइट हैं, जितने वो एंग्री यंग मैन टाइप्स दिखते हैं स्क्रीन पे वैसे नहीं है, बहुत ही फ्रेंडली हैं, तो मज़ा आया उनके साथ काम करके। तो आगे हम आरजे विक्रम को ज़्यादा सुनेंगे या एक्टर विक्रम को ज़्यादा देखेंगे? देखिए, आरजे विक्रम को लगातार लोग सुन रहे हैं, एक्टर विक्रम को देखना अभी आपने शुरू किया है, तो आई एम श्योर सुनने के साथ साथ आप मुझे देखते भी रहेंगे। थैंक यू विक्रम, आपने समय निकाला, आप हमारे साथ स्टूडियो पे आए, यहाँ तक कि मेरे शो का आगाज भी आपने किया। थैंक यू सो मच दादा मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि आपने मुझे मौका दिया लोगों से रूबरू होने का, क्योंकि रेडियो में अक्सर हम दिखाई नहीं देते। थैंक यू विक्रम, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसा लगा आज आप लोगों को आरजे विक्रम शर्मा से बात करते हुए? आई एम श्योर मजा तो बहुत आया होगा, बिकॉज ये फील्ड ही ऐसा है। तो फ्रेंड्स, जब हम आप लोगों से बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि आप स्टूडेंट्स भी जो है डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ आते हैं और हमें संपर्क करते हैं कि आपको भी सामने आके बोलना पसंद है। तो रेडियो जॉकी बनने के लिए खाली ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छी वॉइस होना चाहिए तभी आप आ सकते हैं और किसी रेडियो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। रेडियो जॉकी के अलावा भी अगर कोई ऐसा है जिनको कंटेंट राइटिंग मतलब कॉपी राइटर बनने का शौक है, किसी को अगर प्रोग्राम प्रोड्यूसर की इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ है टॉपिक्स है और आगे आके आप रेडियो में अपने टॉपिक्स दर्शाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, बात सिर्फ इतनी है कि दिल से अपनी पैशन को समझो, करना क्या चाहते हो आप। अब वो ज़माना गया कि बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं वही करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या करना चाहते हो आप। अगर इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, गूगल है आपके पास और करियर काउच विद शुभंकर है आपके पास। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है एंकरिंग में, रेडियो जॉकिंग में, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। और अगर आप रेडियो जॉकी एंड एक्टर विक्रम शर्मा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आरजे विक्रम शर्मा उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और फ्रिकी विकी है उनके यूट्यूब चैनल। तो जितने छोटे छोटे जूनियर्स हैं जिनको एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप देख सकते हैं कि विक्रम जो है अपने भांजे और भांजी के साथ कैसे करके मस्ती करके वीडियोस बनाते हैं। और ज़्यादा आपको अगर इंटरेस्ट है एक्टिंग एंड उनसे जुड़े रह के उनसे गाइडेंस लेने के लिए, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। तो मिलते हैं अगले एपिसोड ऑन कई काउच विद शुभंकर पे। चाचा बाय बाय।